चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड सीसीजी। मुकाबले का आगाज होता हुआ लौट चलते हैं दोस्तों, क्रिकेट की सदाबहार बेहद खूबसूरत रंगीन दुनिया में लौट चलते हैं। आइए हम रूबारू करेंगे आपसे आने वाला ये मुकाबला, छठा मुकाबला आज के इस पोल का। एड़ा 11 टॉस जीतकर फील्ड करने का फैसला किया और बल्लेबाज के लिए ओम साई बवाले को यहां पर न्योता मिला। अजी जी मुकाबला काफी बड़ा होगा, 5 ओवर का मुकाबला। ये देखो दोनों बल्लेबाज मैदान पर प्रसार करते हुए, आरंभिक जोड़ी मैदान पर प्रसार करती हुई, लाइव कास्ट बिल्कुल साफ सुथरा जो दर्शक यूट्यूब के माध्यम से और इस लाइव कास्ट के माध्यम से हमें देख रहे हैं उनका भी स्वागत है। अभी आपने यदि मॉनिटर ऑन किया है तो आपके जानकारी के लिए ये प्रतियोगिता आप देख पा रहे हैं, भिवंडी की आन बान शान सबसे बड़ी प्रतियोगिता दुनिया की निगाह जिस प्रतियोगिता के पर होती है 365 दिन, जिसका हम गिन गिन कर इंतजार करते वो प्रतियोगिता हम देख पा रहे मैदान पर। ये इस पोल का छठा मुकाबला, ये देखिए कैमरामैन आरंभिक छठे मैदान के ऊपर, 5 ओवर का मुकाबला। टॉस हारने के बाद ओम साई बवाल यहां पर पहले बल्लेबाज कर दी हुई, कैप्टन है तानाजी, दूसरी तरफ अजीम, ये दो कप्तान मास्टरमाइंड दोनों कप्तान। आरंभिक छठे मैदान के ऊपर फील्ड का मोइना, डीप पॉइंट, एक डीप स्क्वायर लेग, एक मिड ऑन सर्कल के अंदर, एक शॉर्ट थर्ड मैन और लॉन्ग ऑन ऊपर लिया गया। यहां पर गेंदबाज अप्रोच पारी का आगाज करते हुए और ये बहुत ही खूबसूरत ड्राइव बैक पर गए, ऑफ ड्राइव किया, एक रन का इजाफा होता बा और त्रुबा पर बैकअप मिला और दूसरे रन की चेष्टा की जा रही है और ये अंपायर का इशारा, यस आउट का इशारा और पहले गेंद के ऊपर। क्षेत्र रक्षण ओवर थ्रो हुआ था वहां पर और ये देखिए दूसरे रन की कोशिश में बैट्समैन रन आउट हुए। सही फैसला अंपायर का यहाँ पर, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर बल्लेबाज दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे और ये कॉल खराब कॉल था, यहाँ पर कॉल होना चाहिए था, सही कॉल होना चाहिए, यस नो वेट, ये कॉल होना चाहिए था यहाँ पर और कॉल हुआ एस का और ये खराब कॉल, पहला विकेट मैदान से बाहर। नए बल्लेबाज सुभाष ठाकरे इस समय क्रीज पर पहुंच रहे हैं, अच्छी तकनीक है उनके पास बल्लेबाजी की, गुणेश भी तकनीकी दृष्टि से सक्षम बल्लेबाज माने जाते हैं लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से पहली गेंद पर रन आउट हुए और ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि ये विकेट मिला रन आउट के तौर पर जो टीम के खेमे जाएगा और पहला सदमा पहुंचता हुआ, एक गेंद फेंकी जा चुकी है एक रन के ऊपर। यहाँ पर ये देखे अंपायर से गाड़ लेते हुए ऑफ स्टंप की मांग की गई है और अंपायर ने उनको ऑफ स्टंप पर खेलने के लिए अनुमति दी गई है और जब ऑफ स्टंप पर आप खेलते हैं तो लेग स्टंप से बाहर, ऑफ स्टंप से बाहर अच्छी बल्लेबाज करते हैं, ये ख्याल है। पर एक और बढ़िया स्ट्रोक बैकफुट पर गए, बैकफुट स्क्वायर कट, खिलाड़ी तैनात, एक रन की उम्मीद की जा सकती है। दोनों के दोनों स्ट्रोक अगर देखेंगे यहाँ पर ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाज की थी और दोनों स्ट्रोक यहाँ पर ऑफसाइड में खेलने का प्रयास किया। गेंदबाजी भी ऑफ स्टंप के बाहर हो रही है, थोड़ा आगे रखने की कोशिश हो रही है, बैट का फेस थोड़ा सा खोल दिया था, स्क्वायर ड्राइव की तरह शॉट खेला था वहां पर लेकिन फुटवर्क ज्यादा देखने को नहीं मिला था क्योंकि जब शॉट खेल रहे थे सुभाष ठाकरे दोनों भी पैर उनके क्रीज में गड़े हुए थे। टीम के कप्तान यहाँ पर ताना जी स्टैगन पर गेंद का इंतजार करते हुए, वरिष्ठों की उम्मीद और ये बहुत पहले खेला इस गेंद को, देखिए लेन को नहीं परखा, लाइन को नहीं परखा अंपायर लेग बाइज का इशारा देते हुए यहाँ पर और सीमित क्रिकेट की बात करके यहाँ पर रन कैसे भी आए चाहे रन यहाँ पर लेग बाइज के रूप में आए अतिरिक्त रन के रूप में आए, रन का आना बेहद जरूरी होता है। जी हाँ रन बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं, बल्लेबाज रन बनाने के लिए ही क्रीज पर रहते हैं। गति में परिवर्तन किया था, अंदर की तरफ भी लाए थे, अच्छी ऑफ कटर गेंद थी। टीम का स्कोर और ये दिलशान स्टाइल स्कूप शॉट, खिलाड़ी तैनात फाने के रिजल्ट में शानदार फील्डिंग का बुझा रहा, बढ़िया फील्डिंग,
जितनी बड़ी स्ट्रोक उतनी शानदार फील्डिंग का मुजहरा वहां पर फाइन लेग का ऊपर लिया गया था और ये शानदार फील्डिंग का मुजहरा एक से ज्यादा कुछ नहीं यहाँ पर ये देखिए बहुत ही बढ़िया रोचक क्रिकेट हो रहा है इस समय पहले ओवर में अच्छा संघर्ष दोनों तरफ से देखने को मिल रहा है जिस तरह से सुभाष ठाकरे ने इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेला था दर्शनीय शॉट था लेकिन बढ़िया फील्डिंग अच्छी क्रिकेट ये ऑन साइड में यहाँ पर गेंद को लॉब किया स्क्वायर ऑफ द विकेट खिलाड़ी काफी तेजी से आते हुए और दूसरे की चेष्टा और एक और खराब कॉल ये दूसरी रन आउट के रूप में बिकती ये दूसरा विकेट गिरता बाप खराब क्रिकेट खराब कॉल ये दूसरी मरतबा यहाँ पर खराब कॉल और मुझे लगता है कि गलती यहाँ पर तानाजी की ही थी ये देखिए रन वहां पर एक पूरा हो गया था स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे डीप में फील्डर ने उठाया था और सुभाष ठाकरे तो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे उत्सुक नहीं थे दूसरे रन के लिए दोनों बल्लेबाजी के सिरे पर पहुंच गए थे कॉल होता हुआ यहाँ पर तैयार नहीं थे दूसरे खिलाड़ी क्रीज में मौजूद है बिल्कुल स्ट्राइकर ने खेल में रखने का कोशिश की थी उन्होंने और ये देखिए कि अनोखे अंदाज में यहाँ पर खेलने का प्रयास गेंद पहली मरतबा विकेट के ऊपर और एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर बढ़िया ओवर रहा यहाँ पर क्योंकि पहले ओवर के अंदर बल्लेबाज के ऊपर दबाव बरकरार रखने की जो कोशिश शुरू से की थी आगाज से की थी वो बिल्कुल अंतिम दौर तक बरकरार रखी ओवर की समाप्ति टीम का स्कोर बनता हुआ दो विकेट के नुकसान के ऊपर टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ 6 रन बहुत ही बढ़िया ओवर समाप्त हुआ अफरोज का ज्यादा गति नहीं थी उनके पास अपनी मर्यादाओं में रहते हुए गेंदबाजी की लाइन और लेंथ पर उन्होंने काबू पाया था नियंत्रित गेंदबाजी पहले ओवर में और कोई मौका नहीं दिया पर बल्लेबाज को खोलकर खेलने का क्योंकि जो गेंद को किया था उन्होंने ज्यादातर गेंद ऑफ स्टंप गेंदबाज की थी और क्रीज के गहराई का इस्तेमाल ये देखिए स्क्रीन के ऊपर कृष्णा जी चेयरमैन ऑफ द टूर्नामेंट और दूसरे हमारे स्क्रीन के ऊपर स्नेहल मुंडे साहब को भी देख पाएंगे आप डेकोरेटर हमारे और ये परेश भानुशाली वहां पर नजर आते हुए चैलेंज प्रेसिडेंट पप्पू चौधरी भी काफी बड़ा योगदान सभी कार्यकर्ता का विलाजी पाटिल के कंधों पर कंधे मिलाते हुए निर की शुरुआत गेट को यहाँ पर टैप किया खिलाड़ी तैनात सिर मिड ऑफ पर आते हुए और ये एक और ओवर थ्रो लेकिन आप सबक सीखा है मैं कहूंगा अजय जी क्योंकि पहले दो विकेटों के बाद यहाँ पर सबक सीखा है और यहाँ पर रन की कोई चेष्टा नहीं क्या कहेंगे जी बिल्कुल कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है और जरूरत है मैं कहूंगा क्योंकि दो विकेटें खराब गई है उसके बाद एक लंबी साझेदारी की उम्मीद की जा रही है यहाँ से लेकिन गेंदबाज की गेंद में गति इतनी अच्छी है कि यहाँ पर रन नहीं बन पा रहे पर का दूसरा और बगैर 30 गेंदबाज का इस्तेमाल कप्तान की ओर से किया गया अच्छी गेंद बिल्कुल इस गेंद को स्टेयर करना चाहते थे समय काफी कम मिला फुटवर का कोई भी इस्तेमाल नहीं है ऑफसाइड में गेंद को खोलने का प्रयास किया था डॉर्गिंग की समाप्ति अंपायर ये देखिए कुछ चेतावनी देते हुए ये अंपायर का जो यहाँ पर हमने किरदार देखा बिल्कुल बढ़िया अंपायर सभी अंपायर ने अपने अच्छा किरदार निभाया पर जिम्मेदार को निभा रहे बहुत छोटी गेंद यहाँ पर पुल किया इस गेंद को खिलाड़ी मौजूद और ये आसान सा कैच छोड़ दिया है छक्का मिलता हुआ पहला छक्का ये देखिए एक्शन रिप्ले लेफ्ट हैंड राउंड विकेट भले छोटी गेंद यहाँ पर पुल किया इस गेंद को फाल के रीजन में और ये अपने शरीर के ऊपर संतुलन रख पाए और अगेन सीमा पर 6 रन सीधा कैच आया था लॉन्ग लेग खिलाड़ी के हाथ में लेकिन उसको लपक नहीं पाए लेट कट खेला यहाँ पर गेंद शॉट मैन के ऊपर निकलती हुई 1 रन का
इजाफा मिल सकता है। अब रनों की रफ्तार थोड़ी सी बढ़ती नजर आ रही है। पहले ओवर की अनुपात की बात करेंगे तो पहले ओवर में 6 रन आए थे 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब जाकर रन की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, एक अच्छा स्कोर बनाने की उम्मीद, एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाने की यहाँ पर कोशिश। हालांकि गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया देखने को मिली है अभी तक। बहुत पहले खेला चेंज ऑफ पेस, लेकिन लाइन की बात करेंगे तो अंपायर इशारा करते हैं यहाँ पर। गेंद टपकाने के बाद ज्यादा आउट स्विंग मिला गेंद को और टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ पर 15 रन। ये देखिए अंपायर हर वक्त खिलाड़ी को चेतावनी देते हुए खेल के बारे में समझाते हुए, ये बढ़िया किरदार अंपायर की ओर से। उंगलियों का इस्तेमाल किया था गेंद पर लेकिन दिशा पर नियंत्रण नहीं रख पाए। ऑन द पैड खेलना चाहते, ऑन साइड में गेंद जा रही है, यहाँ पर स्लिप पॉइंट पर अनुक अंदाज था बल्लेबाज का। यह दुविधा मन स्थिति, पहले ऑन साइड में खेलने का प्रयास, उसके बाद ऑफ साइड में खेलने का माइंड, डबल माइंड। इट इज नॉट गुड क्रिकेट, सिंगल। टीम का स्कोर बनता हुआ 16। निश्चित रूप से दुविधा में नजर आ रहे हैं बैट्समैन सुभाष ठाकरे, ज्यादा आत्मविश्वास के साथ नहीं खेल पा रहे हैं। अब स्ट्राइक मंगल के पास, एक यहां से अच्छी सर्जरी बनती हुई और ये बढ़िया क्रिकेट, बढ़िया गेंद, सही दिशा और सही लाइन के साथ फेंकी गेंद थी। कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास, पॉइंट के ऊपर इस गेंद को कट करना चाहते थे, बैकफुट पॉइंट के ऊपर, समय काफी कम मिला। तीन दरार गेंदबाज की ओवर की समाप्ति यहां से होती हुई और इस ओवर की बात करेंगे तो 10 रन खर्च के इस गेंदबाज ने एक छक्का लगा था इस ओवर में, जो फाइनल के रीजन में छोटी गेंद की थी उसके ऊपर छक्का लगाने के बाद स्कोर में तब्दीली काफी तेजी से हुई थी। 16 रन पावर प्ले का इस्तेमाल, अंपायर का यहाँ पर इशारा होता हुआ बैटिंग पावर प्ले। दो ओवर का खेल समाप्त होते हुए 16 रन, क्या जाइए समय सही था यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए पावर प्ले लेने का और सही समय पर पावर प्ले लिया यहाँ पर, रन बन रहे, अलम माहौल इस प्रकार का है, इस समय रन बन पा रहे। देखिए सही गलत यहाँ से कहना थोड़ा सा मुश्किल मुझे भी नजर आ रहा है, लेकिन यदि रन इस पावर प्ले में बनते हैं तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सही है, और यदि विकेट गिर जाए, रन कम बने, तो कहीं ना कहीं उसको हम ही बाद में गलत ठहराएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो सिचुएशन बन रही है, मुझे लगता है कि बैटिंग पावर प्ले लेना थोड़ा सा उचित नजर आ रहा है, क्योंकि रनों की रफ्तार को बढ़ाने की आवश्यकता है यहाँ पर। और जी पहले ओवर के अनुपात की बात करते, पहले ओवर में 6 रन आए थे, 2 विकेटें गिरी थी, लेकिन उसके बाद अपने आप को संवारा बल्लेबाजों ने, एक अच्छी साझेदारी यहाँ पर बनती हुई, और ये साझेदारी की जरूरत थी। 2 विकेटों के बाद दोनों बल्लेबाज के बीच में तालमेल होना, रनों की रफ्तार बढ़ाना, और ये उम्मीद थी कप्तान की बल्लेबाजों की ओर से। बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल, कप्तान से गुजारिश है कि आपको 25 मिनट के तहत पारी को समाप्त करना है, 25 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। समय की अहमियत है प्रतियोगिता में, यही तो पहचान है प्रतियोगिता की। अंपायर्स को भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि 25 मिनट के अंदर 5 ओवर्स पूरे करने हैं वहां पर। अप्रोच अपना पारी का दूसरा ओवर कोटेगी, फुल एंड डिलीवरी, ऑन साइड में खेलना चाहते इस गेंद को, गेंद निकलती हुई ऑफ साइड के बगल से और ये डॉट गेंद की समाप्ति, बेहद खूबसूरत यहाँ पर अंदाज गेंदबाजी का। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा बैट्समैन को, पावर प्ले में फुल टॉस गेंद पूरी तरह से चकमा खा बैठे वहां पर सुभाष। अफरोज ने पहले भी अच्छी गेंदबाज की थी, 6 रन दिए थे, ये सोचकर कप्तान ने भरोसा जताया फिर एक बार उनके ऊपर, एक और उसी अंदाज में गेंद, इस बार थोड़ी सी यहाँ पर लोफुल टॉस की गेंद थी, ऑन साइड में खेल दिया इस गेंद को, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। पावर प्ले में हालांकि रन बनाना आसान कई मौकों पर हमने देखा है कि रहा है इस टूर्नामेंट में, क्योंकि आउटफील्ड बहुत ही जबरदस्त है, तेज है। एक बार आप इनफील्ड के ऊपर से या फिर इनफील्ड में जो फील्डर्स हैं उनकी दाई बाई तरफ से निकाल देते हैं तो निश्चित रूप से बाउंड्री मिल जाती है। एक कप्तान की अच्छी सोच है कि अफरोज ने पहले ओवर में 6 रन दिए थे, ये सोचकर कप्तान ने उनके ऊपर भरोसा जताया पर और पावर प्ले में अफरोज का इस्तेमाल किया, सही सोच कप्तान की। फुल टॉस गेंद, आप नहीं चूके, मिड के ऊपर से खेल दिया, खिलाड़ी तैनात उनके पहुंच से बाहर, गेंद शानदार छक्का, ये पारी का दूसरा।
सही इस्तेमाल करते हुए एक और छक्का, ये दूसरा छक्का पारेगा और टीम का स्कोर अब जगह तब्दील होता 23 के ऊपर। अच्छी साझेदारी, फुल टॉस, एक और फुल टॉस, फिर अब विकेट खेला, इस बार खिलाड़ी तैनात और ये विकेट नंबर गिरता हुआ। डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर फील्डर के हाथों में कैच थमा बैठे मंगल, 13 रन का योगदान दिया। हाल ही में डॉट गेंद भी 3 खेली है मंगल ने, ये भी नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पर पावर प्ले में ये कई मरतबा हम ये दृश्य देख चुके हैं, जब रनों की आपको आवश्यकता होती है, सख्त जरूरत होती है, तो बड़े स्ट्रोक लगाते और बड़े स्ट्रोक में विकटे गिरती है। ये हम देखे तजुर्बा है हमारे क्रिकेट में। 23 रन, अच्छी वापसी, छक्का लगाने के बाद गेंदबाजी में एक रन का इजाफा और गेंदबाज वही अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं जब वापसी की क्षमता रखते हैं, क्योंकि जब छक्का लगाता तो गेंदबाज के ऊपर दबाव आया था, लेकिन अप्रोच ने उस दबाव को पूरी तरह से हटाया और अपना आत्मविश्वास को दाद देते हुए शानदार वापसी। चौबीस रन, फुल टॉस एक और, लेकिन इस बार छूके मिड ऑफ कीपर पा गए, एक और सफलता। हाथ में और मन में भी कहीं ना कहीं दुविधा थी बैट्समैन के। चौथे विकेट का पतन, इस समय स्कोर है 24 रन, 3 ओवर की समाप्ति। नए बैट्समैन संदीप क्रीज पर पहुंचे हैं। साझेदार यहां पर बंद रही थी लेकिन साझेदार को तोड़ दिया, ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर बनता हुआ 24। आइए सुनते अगले 2 ओवर के लिए यहां पर अजय घरत को अगले आवाज आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद मच्छिंद्र पाटिल, सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। प्रतिभा विलास एवन 2016 में तीसरे दिन का खेल आप देख रहे हैं, मैदान पर साये गहराते हुए। बहुत ही बेहतरीन गेंद खट होकर अंदर की तरफ आई थी शेबू की, दूसरे के लिए जा रहे बैट्समैन और 2 रन दौड़कर पूरे किए हैं। रन जरूर वहां पर 2 मिले हैं लेकिन परेशानी में डाला था शेबू ने बैट्समैन को। इन 2 रनों से विदेश का खाता खुला, विदेश स्वदेश में खेलते हुए। देखिए अजय अंपायर की कितना ध्यान है यहाँ पर, हर वक्त चेतावनी दी जा रही है, खिलाड़ियों को समझाया जा रहा है समय व्यतीत न कीजिए, समय के साथ चलिए, यहाँ पर नजाकत कीजिए समय की। ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर की तरफ आती हुई गेंद, वाइड का इशारा, वहां पर तेज ऑफ कटर गेंदे कर रहे हैं, घूम रही है गेंदे और पड़ने के बाद उछाल भी प्राप्त हो रहा है, थोड़ा सा तिरछा उछाल जिस तरह से किसी तेज गेंदबाज को प्राप्त होता है वैसा यहाँ पर उछाल प्राप्त हो रहा है, गेंदे ही घूम रही है। बढ़िया गेंद नहीं हो सकती, वाइड का इशारा वहां पर, लाइन से बार बार भटक रहे यहाँ पर गेंदबाज। ये देखिए ऑप्शन से बाहर गेंदबाज करने का प्रयास करते हैं, वेरिएशन दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सफल गेंदबाजी नहीं हो पा रही है, एक खराब गेंदबाजी लगातार दूसरी वाइड, अतिरिक्त रन यानी कि फिजूल के रन में यहाँ पर बढ़ोतरी होती हुई। हालांकि अच्छी कला है उनके पास लेकिन दिशा पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे, स्कोर इस समय 28 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। इस बार गेंद को स्वंग कर दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर, बढ़िया कैच, सफलता एक और मिलती हुई।
पांचवा विकेट मैदान से बाहर। एक बात यहां पर बिल्कुल नोटिस की जा सकती है, जब भी बल्लेबाज ने बल्ले का फेस खोलने की कोशिश की तभी बल्लेबाज के पैर का अंत हुआ है, यानी कि दबाव के ऊपर दबाव यहां पर बरकरार किया जाए बल्लेबाज के ऊपर। 28 के ऊपर 5 विकेट पर। जी हाँ, बड़ी साझेदारी नहीं बनी है। पहला विकेट 1 पर गिरा था, दूसरा 5 पर, तीसरा 23 पर, चौथा 24 पर और पांचवा 28 पर। तो सबसे बड़ी साझेदारी अभी तक इस पारी में दूसरे विकेट के लिए, तीसरे विकेट के लिए हुई थी, जो 18 रनों की रही थी। इस बार चिप शॉट डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, फील्डर तैनात है वहां पर, दूसरे रन के लिए जा रहे हैं। आसानी से 2 रन पूरे किए हैं बल्लेबाजों ने। संदीप ने शॉट खेला था, ये पहला दूसरा रन हम देख पा रहे हैं। जब भी की कोशिश की थी पहले ओवर में 2 रन बनाने की, तब 2 विकेटों का नुकसान हुआ था और उसके कई बाद यहाँ पर, कई समय बाद यहाँ पर 2 रन हम देख पा रहे मैदान पर। हाफ वाली लॉब कर दिया है गेंद को फील्डर बाउंड्री पर और बढ़िया कैच वहां पर। एक और बैट्समैन आउट होता हुआ संदीप लौटते हुए इस समय पवेलियन की तरफ। यहाँ पर नजर आ रहा है और ये तू चल माया विकेटों का सिलसिला लगातार बरकरार। जी हाँ बिल्कुल, आयाराम गयाराम वाली स्थिति वहां पर लगी हुई है। एक के बाद एक बल्लेबाज पवेलियन में लौट रहे हैं। 6 विकेटों के नुकसान पर स्कोर 30 रन, चौथे ओवर का खेल इस समय प्रगति पर। आड़े बैट से स्वीप लगाने की कोशिश थी वहां पर, पूरी तरह से झुक नहीं पाए। आखिरी गेंद चौथे ओवर की शेष, स्कोर रुका हुआ 30 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। देखिए एक्शन रिप्ले, किस अंदाज में खेलने का प्रयास, लेकिन निगाहें कई बार, निशाना कई बार डॉट गेंद। बढ़िया गेंदबाजी शिबू की। इस बार बॉलर के सिर के ऊपर से खेलने में कामयाब रहे, कोशिश की थी कैच की गेंदबाज ने, मिड ऑफ पर अच्छा क्षेत्ररक्षण, थ्रो भी अच्छा था लेकिन विकेटकीपर ठीक तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए। 1 रन से चौथा ओवर समाप्त होता हुआ 31 रन 6 विकेटों के नुकसान पर ओम साई भावाले। इसके बाद होने वाला मैच, आज का 7वां मैच, नवाब स्पोर्ट्स और पीएस स्पोर्ट्स के बीच में। दोनों भी टीमों के कप्तानों से गुजारिश है, आपको टॉस के लिए पहुंचना है प्रेजेंटेशन बॉक्स में। देखिए एक्शन रिप्ले, किस अंदाज में स्टोक को खेला, एक उम्मीद की जा सकती, स्ट्राइक अपने खेमे में रखना चाहा। टीबीडी का ये बहुत ही जबरदस्त कैमरा जो कि स्टंप में लगा हुआ है। बैकफुट पर पूरी तरह से खेल बैठे थे बैट्समैन, फ्रंट लेग हवा में चला गया था, संतुलन खो रहे थे। अब आखिरी ओवर का खेल शेष है, यहां से कहीं ना कहीं 10-12 रन बनाने की कोशिश कर सकते हैं बैट्समैन, और यदि 40 से अधिक स्कोर बन जाता है तो कहीं ना कहीं एक फाइटिंग स्कोर जरूर रहेगा। इससे पहले हमने मुकाबला देखा 41 के ऊपर रुका था और ये फाइटिंग स्कोर बन सकता है यदि आने वाले इस ओवर में कुछ रन बनते हैं तो। अब तक कुछ ने बना है, कुछ ने बिगड़ा है अंतिम ओवर प्रगति पर। क्रीज पर बल्लेबाज है आमिर और नागेश। लॉफ्ट कर दिया है गेंद को लेकिन फील्डर तैनात है बाउंड्री पर वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ। अच्छा क्षेत्ररक्षण किया था और सिर्फ 1 ही रन पर वहां पर संतुष्ट होना पड़ा बल्लेबाजों को। एक बात पर यहां पर बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा कि जो 2 बड़े छक्के लगे थे वो ऑन साइड में लगे थे, एक भी चौका, एक भी छक्का ऑफ साइड में नहीं लगाया गया यहां पर। ये भी एक कमजोरी हमने देखी इस बल्लेबाजों की अंतिम ओवर प्रगति पर। ये खेल चलता हुआ एडा एलिवन टॉस जीत कर फील्ड करने का फैसला किया था उन्होंने, सही फैसला अब तक तो साबित हो चुका है। गेंदबाजी हावी रहे हैं अभी तक इस मुकाबले में, 2 छक्के जो लगे थे वो मंगल के बल्ले से निकले थे। क्रॉस बैटेड शॉट, हवा में गेंद, फिर से फील्डर को ढूंढा, एक और अच्छा कैच।
की उम्मीद तो की जा सकती थी। पहले ओवर में 6 रन आए थे, दूसरा ओवर काफी सफल रहा था बल्लेबाजों के लिए, 10 रन आए थे, 16 रन बने थे दूसरे ओवर्स में, तो यहां से 50 की उम्मीद की जा सकती थी। लेकिन जो गेंदबाजी दूसरे तीसरे ओवर में की थी अफरोज ने, काफी बढ़िया गेंदबाजी रही थी और वहां से टीम को वापसी मिली थी। नियमित अंतराल के बाद विकेट गिर रही है ओम साई भवाले की, स्कोर इस समय 32 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। फुल टॉस गेंद, बेहतरीन शॉट, काफी दूर जाकर गिरी है गेंद, बाउंड्री के बाहर 6 रन। पारी का आखिरी ओवर इस समय चल रहा है, जावेद की ये गेंद हाफ वाली थी, ऑफ स्टंप के काफी बाहर से उसको लिया था ऑन साइड की तरफ, दूसरे के लिए जा रहे हैं, लॉन्ग ऑन से थ्रो उतना एक्यूरेट नहीं था, 2 रन दौड़कर पूरे किए आखिरकार बल्लेबाजों ने, इन 2 रनों से रन संख्या 40 पर पहुंचती हुई। अच्छा तालमेल बल्लेबाज के बीच में, जैसे ही पहला रन तेजी से शॉट खेला और दूसरे रन के लिए यहाँ पर कोशिश की और बिल्कुल देखते देखते 2 रन भी तब्दील करते हुए। अब केवल 2 गेंदे बची है और यहाँ से यदि एक बड़ा शॉट लगता है तो निश्चित रूप से कुछ तो रहेगा गेंदबाजों के पास बचाने के लिए। यहाँ से यदि 50 या 55 बनते हैं तो संघर्ष कर सकते हैं आप, टीम का स्कोर 40 बन चुका है तो उम्मीद कम होगी शायद, लेकिन बन सकता है, बल्लेबाज इतने अच्छे बल्लेबाजी अब रिदम में चल रही है, अब बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी करो या मरो, 2 गेंदे बचे यहाँ पर। 50 तक तो पहुंचा जा सकता है, 55 लगभग असंभव सा लग रहा है। आगे रखा था गेंद को, जमीनी रास्ते से खेल दिया है उसको डीप वाइड मिड विकेट की तरफ, फिर से बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में 2 रन दौड़कर पूरे किए हैं, अच्छी बल्लेबाजी की है इस ओवर में, खासतौर पर अमीर ने पिछली 3 गेंदों पर 10 रन बनाए हैं उन्होंने। 42 अच्छा स्कोर अब बन चुका है, पर तब्दील हो चुका है, उम्मीद की गई थी 40 के ऊपर की और उम्मीद यहां पर बिल्कुल 42 के ऊपर पहुंच चुके हैं। इसके बाद होने वाला मैच एडा नवाब स्पोर्ट्स और पीएस स्पोर्ट्स के बीच में, पारी की आखिरी गेंद, फुल टॉस, बेहतरीन तमाचा उस पर, 6 रन, जबरदस्त। ये देखिए आखिरी गेंद पर बहुत ही सुंदर शॉट खेला था अमीर ने, फुल टॉस गेंद थी, छक्का तो पक्का था उस पर, सही इलाका चुना, मिड विकेट बाउंड्री। आइए चलते हैं अब अगले मैच के टॉस की तरफ, 7वां मुकाबला नवाब स्पोर्ट्स और पीएस स्पोर्ट्स के बीच में, माननीय श्री पवन गोयंका जी के शुभ हाथों से ले लूं मैं टॉस होने जा रहा है। प्रेजेंटेशन बॉक्स में इस समय माननीय श्री पवन गोयंका जी, उनके साथ चेयरमैन इस टूर्नामेंट के सम्माननीय कृष्णा गाजेंगी, डॉक्टर सुमन नजर आते हुए। दोनों भी टीमों के कप्तान वहां पर मौजूद है। टॉस होता हुआ नवाब स्पोर्ट्स और पीएस स्पोर्ट्स के बीच में, सिक्का उछाला गया,
आइए दोस्तों एक बार फिर से लौट चलते हैं टेनिस क्रिकेट की इस खूबसूरत दुनिया में, प्रतिभा विलास एवन 2016 49 रनों की चुनौती इस समय। एडा 11 के सामने पहली गेंद कट करने का प्रयास किया था लेकिन बीट हुए बैट्समैन, डॉट बॉल के साथ पारी की शुरुआत होती हुई। मुन्नू और हैदर की जोड़ी क्रीज पर, संजय गेंदबाजी कर रहे हैं। छोटी गेंद हुक कर दिया उसको और बेहतरीन कैच, आउटस्टैंडिंग रनिंग कैच। बहुत ही दर्शनीय कैच, ये देखिए काफी दूरी तय की थी वहां पर फील्डर ने अपनी दाई तरफ बढ़ते हुए। बहुत खूबसूरत शाम है देखने के लिए। ओम साई भवाले और एडा 11 के बीच में तीसरे दिन का ये छठा मुकाबला प्रतिभा विलास एवन 2016 में। स्ट्राइक इस समय अकबर के पास, उठा दिया है गेंद को फील्डर के हाथों में, एक और कैच मिलता हुआ वहां पर फील्डर को। टाइमिंग निश्चित रूप से अच्छी थी लेकिन प्लेस नहीं कर पाए अपने शॉट को बैट्समैन। फुल टॉस, फिर से गेंद हवा में, बेहतरीन कोशिश थी लेकिन कैच नहीं कर पाए और गेंद सीधे हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ रही थी। बढ़िया कोशिश फील्डर की, गेंद को बाउंड्री के अंदर ढकेला है। इसी बीच तीन रन दौड़कर पूरे किए बल्लेबाजों ने। अगला मुकाबला जहां पर नवाब स्पोर्ट्स ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है, उसके बाद दोस्तों हम हाफ ऑफ डेप की तरफ लौटेंगे जहां पर चैलेंज और धनेश स्पोर्ट्स जो विकी स्पोर्ट कुकसे का नया नाम है उनके बीच मुकाबला आप देखेंगे। स्लॉग किया है गेंद को, बेहतरीन कोशिश, बहुत ही शानदार फील्डिंग देखने को मिल रही है। फील्डर्स अपने आप को झोंक रहे हैं ओम साई भवाले के सामने की तरफ डाइव लगाते हुए कैच करने की कोशिश की थी। दो रन इसी बीच दौड़कर पूरे किए बल्लेबाजों ने। एक ओवर की समाप्ति, एडा 11 का स्कोर 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बिल्कुल 6 रन पे 2 विकेट गिरी है एक ओवर की समाप्ति के बाद। राजू वगल, जय पाटिल और दिनेश चोगले हमारे प्रियंशी स्टूडियो में, मैजिक ऑफ पीवंडी उमा को आप देख सकते हैं।
थोड़ी सी निराशाजनक शुरुआत कही जा सकती है एडा इलेवन की। पहले ओवर में दो विकेट्स गवा दिए। बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में जो फील्डर थे उसी फील्डर ने दोनों भी बल्लेबाजों को कैच किया था। बायत के बैट्समैन हैदर और दायत के बल्लेबाज अजीम इस समय क्रीज पर है। सागर आए हैं गेंदबाजी के लिए। आशा पाटिल नॉस्टन एंड से अपना पहला ओवर लेकर संदीप चौहान आपके टीवी स्क्रीन पर। सागर की पहली गेंद घुमा दिया गेंद को फील्डर गेंद के नीचे। अच्छा कैच। एक और में उछाल रहे हैं और तीनों भी जो बल्लेबाज आउट हुए हैं कैच के रूप में। कैचिंग बहुत बढ़िया रही है। 49 रनों के लक्ष्य का पीछा इस समय किया जा रहा है और बहुत ही जल्दी जल्दी अपने विकेट्स गवा दिए हैं एडा इलेवन ने। 6 रन 3 विकेटों के नुकसान पर इस समय स्कोर। पारी को संवारने की आवश्यकता है। जल्दबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज। इस बार खेलना चाहते थे विकेटों के पीछे। लेग स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद वाइड का इशारा। स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यहां से और 42 रनों की आवश्यकता है। अंदर की तरफ लाए थे सागर। डायरेक्ट हिट की आवश्यकता थी। दोनों भी बल्लेबाज एक सिरे पर वहां पर पहुंच गए थे। एक रन आखिरकार दौड़कर पूरा किया गया लेकिन तालमेल की काफी कमी नजर आई थी। एक आसान सा मौका आया था विकेट कीपर के पास, निशाना चूका। हालांकि तीनों भी स्टंप्स उनके सामने खुले थे। स्कोर इस समय 8 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। स्टंप विजन आपने देखा। टीबीडी का बहुत ही जबरदस्त कैमरा स्टंप में लगा हुआ है। बहुत बढ़िया गेंद पूरी तरह से खोल दिया था बैट्समैन को। ड्राइव लगाना चाहते थे। पूरी लंबाई की गेंद बाल बाल बच गए। बैट के किनारे को छोड़कर गेंद चली गई। ये देखिए स्टंप विजन से फुटवर्क बिल्कुल भी नहीं था वहां पर। इस बार गेंद को निकाल दिया है लॉन्ग लेग सीमारेखा की तरफ। दूर से आए थे फील्डर। थोड़ा सा फंबल जरूर हुआ लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं, सिर्फ एक रन। रन बनाना मुश्किल साबित होता हुआ एडा इलेवन के बल्लेबाजों के लिए। अजीम और जावेद की जोड़ी है इस समय क्रीज पर। कुल स्कोर 9 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अच्छा ओवर साबित हुआ है अभी तक सागर का। केवल 3 ही रन खर्च किए हैं। फील्डिंग में कुछ बदलाव करते हुए गेंदबाज। एक शॉर्ट थर्ड मैन और एक बैकवर्ड पॉइंट। उछाल दिया है गेंद को। फील्डर है वहां पर। बेहतरीन कोशिश थी लेकिन कैच नहीं लपक पाए। मुश्किल कैच था। वाइडिश डीप मिड विकेट की दिशा में आगे बढ़ते हुए
डाइव लगाकर कैच लेने की कोशिश वहां पर फील्डर की। बहुत कुछ घट रहा है इस मैच में, अच्छे कैचेस लिए गए हैं और दो या तीन कैचेस ऐसे रहे हैं जहां पर असफल रहे हैं फील्डर, हालांकि मुश्किल कैच ड्रॉप हुए हैं। दो रनों से रन संख्या बढ़ती हुई 11 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अच्छी गेंद वहां पर, क्रॉस बैटेड शॉट खेलने की कोशिश, सीधी निकल गई विकेट कीपर के हाथों में, समाप्त होता हुआ सफल ओवर सागर का। दो ओवर के बाद 11 रन 3 विकेटों के नुकसान पर एड़ा 11। बचे हुए तीन ओवर्स में 38 रनों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। हमारा कमेंट्री बॉक्स अब मूव किया गया है, अब हम फिर से प्रियांशी स्टूडियो में लौट चुके हैं। ये आप देख सकते हैं मेरी दाई तरफ ऑफिशियल स्कोरर आसिफ रंगरेज, मशहूर कमेंटेटर सिद्दीक भाबे, मराठी के कमेंटेटर कुणाल दाते, ये देखिए विश्वास भोई को देखा जा रहा है हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में। कमेंट्री में परिवर्तन हो रहा है, आने वाले तीन ओवर्स में आपके साथ रहेंगे मशहूर और मारूफ कमेंटेटर सिद्दीक भाबे। थैंक यू अजय करत। एटा 11 चेसिंग अ टारगेट ऑफ 49, just now 2011 for the loss of three important wickets. Is going to be change in bowling now. Rupesh brought into the attack. First ball tried to sweep as ball. Ball is dropped on his body and there were no runs. You are watching the World Tennis A1 Show. प्रतिभा विलास A1 2016। रुपेश टू जावेद, दिस टाइम पुट अवे स्ट्रेट टू मिड विकेट एंड विद द स्ट्रोक बैट्समैन थ्रू फॉर वन। स्कोर वाज अप टू 12 for the loss of 3 wickets. Next match, Nawab Sport won the toss and elected field first. Kunal Date sir joined with us in Priyanshi studio. Rupesh. Both this time is in the air, man under it. Yes, he's out. Fourth wicket is gone now. His score is 12 for the loss of 4 wickets. Third over in progress and Ada 11 chasing a target of 47. Ada 11 in trouble now. The chairman of Pratibha Vilas, Krishna Gajangi, with Dr. Soman watching from presentation box. This time short rising delivery, batsman tried to square cut and a wide signal from umpire Muhammad Rafiq. Away from the office stump, 1-2 score now, his score moves up to 13 for the loss of 4 wickets.
हेलो रुपेश बॉल दिस टाइम इज इन द एयर मैन अंडर इट यस इज आउट पाच गडी बाद झालेत एडा इलेवन या टीमचे 49 धावांचं टार्गेट अजून 15 बॉल 36 धावांची आवश्यकता आहे कुठेतरी बॅकफुटवर चाललाय सर हा संघ कारण पाच विकेट महत्वपूर्ण विकेट टॉप ऑर्डर बॅट्समन आराम करताना दिसतात पॅव्हिलियन मध्ये यस 13 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट सो फार 15 बॉल्स अँड 36 रन्स आय थिंक लिटिल बिट A typical equation in front of Ada 11. Next match, Nawab 11 won the toss and elected to the field first. Rupesh. Reaches bowling mark, turn from Asha Patil. Northeastern, right arm, round wicket to the left-handed batsman. Here he goes. Both this time firmly driven, couple of bounces to long on. And with the stroke, batsman through for one. 1-2 is score now, 14 for the loss of 5 wickets. So far, Rupesh bowls so far economically. It has been economical over so far. Right arm over the wicket to the right-handed batsman. Goes to Shebu, try to drive in front of wicket. Thick outside edge, rose to short Thurman. With the stroke, time for a cross for an easy single. And that marks end of the third over. 15 for the loss of 5 wickets. तीन ओवर की समाप्ति 15 रन 5 विकेटों के नुकसान पर डीबीटी प्रेजेंट्स एलईडीज लाइटिंग फैंस अप्लायंसेस वायर्स एंड स्विचेस सीसीटीवी कैमरास 200 प्लस प्रोडक्ट्स 6 डिविजन्स 1 ब्रांड डीबीटी क्राफ्टेड विद केयर डीलर्स इंक्वायरी सॉलिसिटेड को चमकाए बैटिंग पावर प्ले लिया गया है वहां पर दो ओवर में 34 रन चाहिए और सही निर्णय मैं कहूंगा बल्लेबाजी वाली टीम का क्योंकि मरता क्या ना करता पहली गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाल दिया है डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर जाती भी गेंद हुक केला होता परंतु बॅटची वरची कडा घेऊन फाइन लेग सीमा रेखा पार 4 रन इस बीच फिर से उसी तरह का शॉट खेलने की कोशिश सवाल पूछा और आउट एलबीडब्ल्यू
आरबीडब्ल्यू चा इशारा जरूर पूर्णपणे स्टंपच्या मधोमध पायावर चेंडू आदळतोय आणि चांगला निर्णय चांगला डिसिजन पंचांचा शेवटपर्यंत नजर ठेवली पंचांनी थोडासा वेळ जरूर घेतला डिसिजन देताना परंतु एक चांगला निर्णय इथे देण्यात आलाय 19 रन 6 विकेटों के नुकसान पे नए बैट्समैन शाहरुख सामना कर रहे हैं अच्छी गेंद थी आगे पीछे किया था लेकिन स्टंप्स के ज्यादा बाहर थी गेंद वाइड घोषित की अंपायर ने बीस रन 6 विकेटों के नुकसान पे 10 गेंदों में 29 रन इक्वेशन थोड़ा सा मुश्किल नजर आता हुआ टार्गेट मोठं नव्हतं बाबे सर परंतु लगातार विकेटचं पतन झालं त्याच्यामुळे थोडासा बॅकफुटवर आहे एडा 11 इस विजय गेंद लंबा हिट लिया है और क्या गेंद मैदान के बाहर जाएंगी पहले बाउंस पे जाती हुई वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन 4 रन सरळ आपल्या मंचाच्या समोर चार धावांसाठी गेला त्यानंतर मात्र बॉलर आपल्या कॅप्टनकडे बघत होता का तिथे फिल्डर का नाही परंतु फिल्डिंग लावण्याची पूर्ण जबाबदारी असते जशी आपण बॉल टाकतो तशी बॉलरची बोल बहुत बढ़िया वापसी अंतर होतं समोर टाकलेला चेंडू होता पूर्णपणे स्लॉग मध्ये पाहू शकाल आणि दोन पायाच्या मधोमध चेंडू ट्रॅव्हल झाला आणि सरळ यष्ट्यांचा वेध घेतला पूर्णपणे अक्रॉस द लाईन खेळलाय फलंदाज चूक करताना दिसतोय फलंदाज सर ऐसा है कि जब तेज गेंदबाज बैट्समैन को बोल्ड करता है तो बैट्समैन को काफी शर्मिंदगी होती कई एंगल से दिखाया जा रहा है ये देखिए किस तरह से बोल्ड हो गए दोनों पैरों के बीच में से गेंद गई थी और जब तेज गेंदबाज को बैट्समैन सिक्सर लगाता है तो सबसे ज्यादा शर्मिंदा गेंदबाज होता है यस काही सतसच पाहायला मिळालं तो दोन्ही पायाच्या मधोमध हा बॉल ट्रॅव्हल झाला आणि एक चांगली महत्वपूर्ण विकेट मिळाली गोलंदाजाला एडा 11 कहीं भी मुकाबले में नजर नहीं आ रही है मर्तबा फुल टॉस गेंद थी शरीर से टकराई कोई बात थ्रो किया वहां पर लेग बाय पूरा करते हुए बैट्समैन डॉक्टर सोमन मिस्टर भोई जी कृष्णा गाजंगी जी अन्य मान्यवर्स के साथ प्रेजेंटेशन बॉक्स में मैच का मजा लेते हुए चार ओवर समाप्त हो चुके हैं और अब कुल मिलाकर आसिफ अंग्रेज बता रहे हैं 25 रन बने एक ओवर में अब जीतने के लिए 24 रन चाहिए हिट आउट और गेट आउट यस डू और डाई कंडीशन असेल एडा 11 टीम साठी एक मोठं टार्गेट जरूर मी म्हणे नव्हतं परंतु एडा 11 संघाची चूक कुठे झाली वारंवार मोठे फटके मारण्याचा प्रयत्न फलंदाजीने केला टॉप ऑर्डर पूर्णपणे बरखास्त केलं होतं गोलंदाजी करताना ओम साई भावडे या टीमने आणि पूर्णपणे थोडासा बॅकफुटवर जाताना दिसला एडा 11 या मॅच मध्ये 6 बॉल 24 भावाली की टीम इस वक्त ऊंचाइयों पर आरआर पाटील पवेलियन के ग्राउंड फ्लोर का चित्र बताया जा रहा है यहाँ पे कई दर्शक इस वक्त नजर आ रहे हैं इस बीच एक और हवा में खेला हुआ शॉट और हवा हवाई बल्लेबाजी
लगातार खराब शॉट सिलेक्शन इथे पाहायला मिळालंय. लगातार मोठे फटके मारण्याचा प्रयत्न करण्यात येतोय आणि विकेटचं पतन आठवा गडी इथे बाद होताना. बिल्कुल जिस तरह चनार के पत्ते सर्दियों में गिर जाते हैं उस तरह विकेटें गिर रही है इस वक्त. 24 रन 5 विकेटों के नुकसान पर, 8 विकेटों के नुकसान पे 25 रन और 5 गेंदों में 24 रन, मानो ये ऐसे ही है जैसे कोई मिशन इम्पॉसिबल हो. कयूर नितिन पाटिल को आप देख रहे थे. फिर से घूम के मारा है, फिर से गेंद डीप मिड विकेट पे जाती भी. सिद्दीक सर या मैच मध्ये भरपूर चुकी केल्यात मी म्हणेन एडा 11 टीम ने. लगातार शॉट सिलेक्शन खराब होतोय एडा 11 टीमचं, कारण 26 धावांवर 8 गडीबाज झालेत आणि फक्त 4 चेंडू शिल्लक आहेत. 4 चेंडू मध्ये 23 धावा बनवायच्या आहेत आणि 4च्या 4 चेंडू सीमारेषेपलीकडे मारावे लागतील एडा 11 ला ही मॅच जिंकायची असेल तर. काम तो बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं. इस मरतबा फुल टॉस गेंद थी, उसको भी सही नहीं खेल पाए. ये आत्मविश्वासाने खेळ करणं खूप महत्त्वाचं होता. पहिल्याच ओव्हर पासून आपण जर विचार केला तर एडा 11 थोडासा बॅकफुटवर होता. लगातार विकेटचं पतन ही एक डोकेदुखी होती कॅप्टनची, परंतु गोलंदाजी खूप चांगली केली मी म्हणेन ओम साई या टीमने आणि पूर्णपणे सामन्यामध्ये परतताना ओम साई हा संघ. मरतबा घूम के मारा है गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर 6 रनों के लिए. दोन धावा इथे घेताना दिसतात दोन्ही फलंदाज. दोन बॉल 16 धावांची आवश्यकता असताना इथे मात्र दोन धावा, थोडेसे लेट झाले हे फटके मी म्हणेन. आणि आता मात्र एक बॉल 14 धावांची आवश्यकता या मॅच मध्ये एडा 11 टीम समोर. चांगलं टायमिंग, चांगला फटका, चेंडू मिड विकेट सीमारेषा पलीकडे, षटकार. डिफरन्स कमी केला परंतु मला वाटतं 7 रननी एडा 11 हा संघ स्पर्धेतून बाहेर होताना दिसतोय. चांगली मॅच इथे प्रेक्षकांना पाहायला मिळाली ओमसाई विरुद्ध एडा 11. वेल प्लेड ओमसाई आणि शुभेच्छा असतील तुमच्या पुढच्या प्रवासासाठी या संपूर्ण टूर्नामेंट मध्ये. प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी 2016 हे आयोजन आहे आणि या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच आमिर ज्याने टीव्हीटी प्रेझेंट्स LEDs लाइटिंग फॅन्स अप्लायन्सेस वायर्स अँड स्विचेस CCTV कॅमेरास 200 प्लस प्रोडक्ट्स 6 डिव्हिजन्स 1 ब्रँड टीव्हीटी क्राफ्टेड विथ केअर डीलर्स इन्क्वायरी सॉलिसिटेड. एक मोठी टूर्नामेंट प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी 2016. चेअरमॅन आहेत कृष्णा गाजिंगी या स्पर्धेचे आणि अतिशय चांगलं आयोजन. आइए मॅन ऑफ द मॅच की तरफ हम बढ़ रहे हैं और मॅन ऑफ द मॅच खिलाड़ी हैं आमिर, जिन्होंने 18 रन बनाए और मॅन ऑफ द मॅच अवार्ड देने के लिए हमारे बीच में मनीश्री पवन जी, मलगावकर जी और रमाकांत जी तीनों आ चुके हैं. आपका शुभ आगमन होता हुआ यहाँ पर आपका हार्दिक स्वागत. आमिर आपको आ गया ने 18 रनों की बहुत बारी खेली. आइए सबसे पहले मैं पवन जी से कहूंगा कि TBD का जो ये चेक है ये आमिर को दे. मालगांवकर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि गिफ्ट एंपर जो किशोर
पी की शोभा बढ़ाना है। बहुत बहुत मुबारक हो आमिर, आपने बहुत बढ़िया बारी खेली और वाकई में आपने ये बता दिया कि टीम कहीं से भी बिलोंग करती हो, क्रिकेट अच्छा रहेंगे चैलेंजिंग तो चैलेंज पे मैच जीता जा सकता है। इस जीत को मैन ऑफ द मैच को पाकर आपको कैसा लग रहा है? मैन ऑफ द मैच पाकर बहुत खुशी हो रही है मेरे को, पहली बार कभी मैन ऑफ द मैच इतनी बड़ी टूर्नामेंट कर रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है। इस जीत को आप किसके नाम देंगे? पूरी टीम के नाम। क्या लगता है कि भावाले की टीम को आप कहाँ देख रहे हैं आगे जो मुकाबले हैं उसकी नई रणनीति के साथ? आप प्रतिभा विलास एवन 2016 में आएंगे? जी यही रूटीन, यही रहेगी रूटीन, यही रूटीन से हम खेलेंगे। दोस्तों ये आज शाम के मैन ऑफ द मैच थे आमिर भावाले के, कॉन्ग्रेचुलेशन। लौट चलते हैं प्रियांशी स्टूडियो में। यस, एक मोठी मैच तुमच्या समोर आहे। यानंतरची मॅच नवाब स्पोर्ट्स वर्सेस पी एस स्पोर्ट्स या टीमच्या दरम्यान। टॉस जिंकलाय नवाब स्पोर्ट या टीमने आणि प्रथम